Mangrove forest. The mangrove tidal forests are found in the areas of the coast influenced by the tides. ये जो mangrove forest है ये ज्यादातर आपको जो है coastal इलाकों में मिलेंगे, tides से ज्यादा प्रभावित होती है ये. Mud and silt get accumulated on such coast. ऐसे ये जो coastal इलाके होते हैं वो ज्यादातर मिट्टी या जो silt है वो जो है जमा हो जाती है. Dense mangroves are more common varieties with roots of the plant submerged under the water. ज्यादातर ये जो mangroves होते हैं ये इतने ज्यादा dense होते हैं कि इनकी जो roots हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं. The deltas of the Ganga, the Mahanadi and the Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. जो भी deltic areas हैं गंगा के, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब जो है इन्हीं vegetation से covered हैं. In the Ganga Brahmaputra Delta, Sundari trees are found which provide a durable hard timber. अब जो Ganga Brahmaputra Delta है वहाँ पर Sundari trees जो है मिलती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ठोस लकड़ी है और काफी चलने वाली लकड़ी है, जैसे पाम है, कोकोनट है, केवड़ा है, अगर है, ये सब भी जो है इन पार्ट्स ऑफ द डेल्टा में उगते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर इज द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट. यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा. टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. इनमें साथ साथ आपको टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और स्नेक भी देखने को मिलेंगे. वाइल्ड लाइफ. Like its flora, India is also rich in its fauna. अब जिस तरह से हमने flora की बात करी, उस तरह से India में fauna भी बहुत ज़्यादा है. Fauna यानी animals की बात कर रहे हैं. It has more than 89,000 of animal species. हमारे country में लगभग 89,000 जो हैं animal की species हैं. The country has more than 1,200 species of birds. और 1,200 से ज़्यादा जो हैं species जो हैं birds की हैं. They constitute 13% of the world's total. अगर पूरे world की बात करें तो उसमें 13% जो है वो इंडिया में ही हैं. There are 2,500 species of fish, which account for nearly 12% of the world's stock. फिर तो अगर fish की बात करें तो लगभग 2,500 species जो हैं fish की इंडिया में ही पाई जाती हैं और जो भी world के stock से देखें तो सिर्फ पूरी तरह से 12% cover करते हैं. It also shares between 5% and 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals. अगर पूरी दुनिया के amphibians, reptiles और mammals को cover करें तो भी इंडिया में जो है लगभग 5 से 8% पाए जाते हैं. The elephants are the most majestic animals among the mammals. सबसे ज्यादा जो animals हैं mammals उसमें वो elephants हैं. They are found in the hot west forest of Assam, Karnataka and Kerala. ये ज्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जो गर्म भी हैं और जहाँ बारिश भी होती है. ऐसे जंगलों में असम के, कर्नाटक के और केरला के. वन हॉर्न राइनोसेरोस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन द स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. जो एक सींग वाला गेंडा होता है वो भी एक और एनिमल है जो कि इस तरह के मॉइस्ट से और जैसे कहें ना मार्शी लैंड्स जहाँ पर पानी ज्यादा होता है तो वो असम और वेस्ट बंगाल के इलाकों में पाए जाते हैं. मिट्टी जहाँ पर गीली होती है. एरिड एरियाज ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट्स आर द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एस एंड द कैमल्स रेस्पेक्टिवली. जो ड्राई एरियाज होते हैं जैसे कि रन ऑफ कच्छ है या थार डेजर्ट है वहां पर आपको वाइल्ड एस या कैमल्स मिल जाएंगे. इंडियन बिजन, नील गाय, गेजल, चौसिंघा एंड Different species of deer are some other animals found in India. इसी तरीके से आपको इंडियन बिजन, जो नील गाय है और चौसिंघा है, गेजल है, ये सब आपको जो है या और भी जो प्रजातियां हैं डियर की वो इस तरह की आपको इंडिया में मिल जाएंगे. It also has several species of monkey. यहाँ तक कि आपको मंकी की भी कई प्रजातियां यहाँ देखने को मिल जाएंगी. India is the only country in the world that has both tigers and lions. इंडिया अकेली एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जहाँ टाइगर्स भी हैं और लॉयंस भी. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. जो नेचुरल हैबिटेट माना जाता है कि ज्यादातर इंडियन लॉयन का मेन जहाँ पे गढ़ है वो है गिर फॉरेस्ट में गुजरात के अंदर. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालय रीजन. और जो टाइगर्स हैं वो ज्यादातर आपको मध्य प्रदेश के जंगलों में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में या फिर हिमालयन रीजन में मिल जाएंगे. लेपर्ड्स टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. लेपर्ड्स भी जो हैं वो भी कैट फैमिली के ही एक मेंबर हैं. दे आर इम्पोर्टेंट अमंग द एनिमल्स ऑफ प्रे. और ये भी जो हैं जो जानवर शिकार करते हैं उनकी प्रजाति में ही आते हैं. द हिमालयस हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड. अब हिमालयस में जो है ज्यादातर वो एनिमल्स मिल जाएंगे जो एक्सट्रीमली जब बहुत ज्यादा ठंडा होता है तब भी वो सर्वाइव करते हैं. जैसे लद्दाख फ्रीजिंग हाई अल्टीट्यूड्स आर द होम टू याक, द शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड 1 टन.
लद्दाख जहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है वहाँ याक मिलेगा। याक जो है एक बहुत ही शैगी सा सींग वाला ऑक्स है और उसका जो वजन है वो लगभग 1 टन के बराबर होगा। द तिब्बतियन एंटीलोप, द बराल, वाइल्ड शीप एंड द कियान, ये सब जो है आपको जानवर ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे मिल जाएंगे। फर्दर मोर द इपेक्स बियर स्नो लेपर्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट्स। वहां पर आपको ये जो इपेक्स है, बियर है, स्नो लेपर्ड है और बहुत ही रेयर पाया जाने वाला रेड पांडा है वो भी इन एरिया में मिल जाएगा। इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड। जहां पर भी नदी होती है, तालाब होते हैं या जो कोस्टल इलाके हैं वहां पर आपको टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स देखने को मिल जाएंगे। द लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। अभी जो है घड़ियाल वो एक तरह से क्रोकोडाइल की ही अलग ही वैरायटी है जो कि दुनिया में पाई जाती है। बर्ड लिव लाइफ इन द इंडिया इज कलरफुल। अब जो बर्ड्स की लाइफ है वो भी बड़ी कलरफुल है इंडिया में। पीकॉक्स, पीजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट एंड द वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। कुछ इस तरह के बर्ड्स हैं जैसे पीकॉक्स हैं, पीजेंट्स हैं, डक्स हैं, पैराकीट्स हैं, क्रेन्स हैं या पिजन्स हैं। इस तरह की बर्ड्स भी जो हैं आपको ज्यादातर जंगलों में या जो इलाके थोड़े से गीले होते हैं, बारिश होती है वहां पर आपको मिल जाएंगी देखने को।